सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महाराष्ट्र सेट 2020 एग्जाम के क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग अल्किन। तो यहाँ पे तीन चार अल्किन दिए है, फर्स्ट एक नंबर है, दिस इज सेकेंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर, दिस इज फोर्थ नंबर। तो पूछा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जनरली जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के लिए जनरली कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वह हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जनरली हम देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने होंगे। अगर इसमें देखें अल्फा हाइड्रोजन मतलब डबल बॉन्ड के बाजू में जो कार्बन होगा उस पर कितने होंगे, तो सिक्स, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री है, तो ये मतलब ये सिक्स हो गए। यहाँ पे टोटल कितने हैं, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, दैट इज़ ट्वेल्व। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे कितने हैं, दिस इज डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे थ्री और थ्री कितने हो गए सिक्स, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ थ्री। तो सबसे लोअर में होगा आपका फर्स्ट नंबर जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ओके। और सब थर्ड सबसे हाईएस्ट स्टेबल होगा जो कि इसी ऑप्शन में है, दैट इज़ डी योर करेक्ट ऑप्शन। और जो इंटरनल अल्किन होते हैं वो कंपेरेटिवली स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू दिस, ओके। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, कि जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड, जितना अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उसके ज़्यादा हो गए, तो दैट विल बी मोर स्टेबल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बेसिसिटी के ऊपर है। तो ये है आपका प्राइमरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन, दिस इज टर्शरी अमीन, ओके। और ये आपका जीरो सिर्फ अमोनिया है। तो जो बेसिसिटी ऑर्डर होता है वो होता है आपका जो टर्शरी होता है ये वाला सेकेंडरी अमीन, स्पेशली जब मिथाइल होता है इस केस में सबसे पहले सेकेंडरी होगा, देन प्राइमरी होगा, देन टर्शरी होगा, उसके बाद आपका अमोनिया होगा, ओके। इसके लिए जो टर्शरी आपको लगता है इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे वर्क नहीं करता, ओके। यहाँ पे ज़्यादा जो डिक्रीज करता है बेसिसिटी वो एक्चुअली इसका स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी बेसिसिटी डिक्रीज होती है। और करेक्ट आंसर इसका ये होता है, दैट इज़ सेकेंडरी अमीन इज अ मोर बेसिक देन योर प्राइमरी अमीन, देन योर टर्शरी अमीन, देन अमोनिया, ओके। सो एक्सेप्शन है जनरली जब बेसिसिटी अमाइन पड़ते हैं तो इसमें, ओके। इसके लिए जनरली ट्रिक यूज़ करते हैं 213, ओके। मिथाइल होगा तो इस ये ऑर्डर फॉलो होता है, सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शरी और उसके बाद आपका अमोनिया। उसके बाद आयु पैक है, तो आयु पैक में अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ब्रोमीन 5 से, और यहाँ से ब्रो करेंगे तो नेमिंग 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ब्रोमो है और यहाँ पे आपका फ्लोरो है, ओके। दो मेन है इसके फंक्शनल ग्रुप बिकॉज हेलो अल्कन से, तो ब्रोमो को लेस नंबर मिलना चाहिए जो कि एक ही ऑप्शन में, दैट इज सी, दैट इज 2 ब्रोमो 5 फ्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर विल बी सी, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है विच कॉन्फर्गेशन इज मोस्ट स्टेबल, ओके। भले ही यहाँ पे एक्सियल दिख रहा है आपको, ये एक्सियल है, ओके, और ये इक्विटोरियल है। जनरली हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं उसको, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम इक्विटोरियल रखते हैं बिकॉज 1,3 डायक्सिल इंटरेक्शन होगा, और इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे बिकॉज ये हाफ चेयर, हाफ चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म है और हाफ चेयर फॉर्म है, तो अनस्टेबल होंगे। तो ए और बी में देखेंगे तो दैट विल, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं और वो लोन पेयर इस हाइड्रोजन को इधर बना दे, इट विल बिकम हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल, ओके। तो भले आपका OH एक्सियल होगा, ओके, भले थोड़ा स्टेबल नहीं होगा लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टेबल कर देगा इक्विटोरियल के कंपेयर में। सो ए विल बी मोर स्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्लेडन से कॉपी है, रीअरेंजमेंट वाले चैप्टर से उसमें दिया है। जब ब्रोमीन के साथ आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यूज़ करते हो, वहाँ पे एसिड होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, ओके। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे NGP होने के चांसेस कम है बिकॉज यहाँ से आप NGP भी करोगे तो BR है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मानते हो कि एसिड का अगर प्रोटॉन लूज करेगा, ओके, फिर ये अटैक करेगा, उसके बाद OH आएगा, तो ये इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो थोड़ी कम होगी एज अटैकिंग एज कम्पेयर टू OH, ओके। तो OH और आपका जो एसिड वाला CO- है, दैट इज़ कार्बोक्सिलेट CO-, इन दोनों में कंपेयर करें तो OH- की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़रा ज़्यादा होगी बिकॉज ये थोड़ा स्टेबलाइज होता है कॉन्जुगेशन की वजह से। तो इसमें डायरेक्टली आपका SN2 होगा और आपको इन्वर्जन मिलेगा। सो ये क्लेडन से एक क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट चैप्टर में ही, ओके। तो बी विल बी योर करेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रेफरेंस दिया है, डायरेक्टली SN2 होता है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे रिंग बनाई है तो किस फॉर्म में जाएगा। तो ये आपका प्रोसीड होगा बेंजाइन इंटरमीडिएट से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, PHLi है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या करेगा ये, वो इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये दिया है यहाँ पे क्या होगा, एच जैसे ही यहाँ से चला जाएगा, एक डब बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ब्रोमीन को निकाल देगा, ओके। ब्रोमीन को निकाल देगा मतलब आपके क्या मिलेगा, यहाँ पे बेंजाइन मिलेगा, ओके, बेंजाइन मिलेगा मतलब इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो इस बेंजाइन के ऊपर ये अटैक करेगा, ओके। बेंजाइन के ऊपर अटैक करने के बाद आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा,
ओके और ये इस तरह से एन एच एम ई, तो यहाँ से हाइड्रोजन एच प्लस हो जाएगा इसके ऊपर और एम ई हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली प्रोटोनेशन करके आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल भी है, सॉरी यहाँ पे मिथाइल भी है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी, आपको बस नंबरिंग देखनी है ढंग से, ओके सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी अकॉर्डिंग टू बेंजाइन मैकेनिज्म से जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर आप पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हो और डबल बॉन्ड है जनरली इपॉक्साइड बनाते, लेकिन आंसर देखिए लग रहा है कि इपॉक्साइड जनरली नहीं बनेगा बिकॉज सब में आपका रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है CCl3 CCl4, ओके तो उसमें जनरली क्या होता है आपका एक्सोफेज ज़्यादा प्रीफर होता है, एक्सोफेज मतलब ऊपर वाला फेज वाला, एंडोफेज आपका नीचे होता है, एक्सोफेज जनरली फेवर होता है, तो ये वाला आंसर चला जाएगा, ये वाला आंसर जो मीन्स अपोजिट है ये वाला नहीं होगा, ये वाला डी वाला हो सकता है या फिर बी वाला हो सकता है मे बी। सो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका ऊपर से होगा और ये इस ब्रिज हेड पे इसका क्लोरीनेशन या फिर रेडिकल मैकेनिज्म से होगा कि नहीं। ओके सो अगर आप में से एग्जैक्टली किसको पता है इसका आंसर, यू कैन कमेंट डाउन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल के लिए भी है, इसमें क्या है आपका ए आई बी एन मीन्स यहाँ पे अगर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड है सी एच थ्री है और यहाँ पे क्या है बी आर, तो उसके बाद रेडिकल बनेगा कैसे, इस तरह से यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, तो ये रेडिकल आपका इस ब्रोमीन पे ये इसको यहाँ पे भी आप रेडिकल बना सकते हो, यहाँ पे भी रेडिकल बना सकते हो। ओके तो क्वेश्चन है कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी और यहाँ पे अटैक करेगा 6 मेंबर की, 1 2 3 4 5 6, ओके डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। सो इसमें भी मुझे दो क्वेश्चन में डाउट है, ए में ए बन सकता है जो यहाँ पे अटैक करेगा या फिर इट मे बी डिपेंडिंग अपॉन दिस, ओके ये वाले में बी वाले में, ओके सो इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडर गो फास्टेस्ट ऑटोमराइजेशन, अभी सब में देखें तो ये एक्चुअली ऑटोमराइज जल्दी हो सकता है बिकॉज इट कैन गेन एरोमेटिसिटी, बिकॉज जैसे ही यहाँ से आप प्रोटॉन लूज करोगे तो क्या होगा, यहाँ से जैसे ही प्रोटॉन लूज होगा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और ये ओ नेगेटिव आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ओ नेगेटिव, और जैसे ही एच प्लस यहाँ से ले लेगा आपको क्या मिलेगा फिनॉल मिलेगा। बाकी सब में आप देखेंगे कि इसका सब में यहाँ पे भी आप ऑटोमराइज करेंगे इसे कॉन्जुगेशन है और ऑब्वियसली यहाँ पे OH बन सकता है, यहाँ पे भी OH बनेगा लेकिन ये सिर्फ कॉन्जुगेशन वाला OH है, ओके लेकिन यहाँ पे क्या एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, दैट्स वाई एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉन्जुगेशन, इसकी वजह से करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके नेक्स्ट आपका रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को OH रखा है और यहाँ पे H डाला है, ओके ये नथिंग बट आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इसका मैंने ऑर्गेनोबोरॉन वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ओके बस यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ खिलावट मीन्स खेला गया है, अगर आप KMnO4 के साथ करोगे इट विल बिकम डायोल, H2O2 H3O3 ये क्या मीन्स वाटर ऐड नहीं करता है ऑक्सीडाइज कर देता है, ओके इसका इसके साथ जनरल रिएक्शन नहीं होता है, डायोल करता है ये डायोल बनाता है लेकिन हमको वाटर ऐड किया है यहाँ पे, और सिर्फ एक ही रिएक्शन भी होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जहाँ पे B2S6 के साथ रिएक्ट किया जाता है और उसके बाद उसका H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस के साथ रिएक्ट करके आपको यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ योर बी, ओके डायरेक्ट एडिशन होगा, इसका डिटेल मैकेनिज्म मैंने ऑर्गेनोबोरॉन वीडियो में बनाया है, ऑर्गेनोबोरॉन्स कंपाउंड में इधर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड है, यहाँ पे पूछा पैराजाइलिन के कितने सिग्नल्स मिलेंगे, 4-methylcyclohexane के 1-butane 2-2-dimethylpropane, तो आपका पैराजाइलिन होता है ये इस, ओके CH3 CH3, और इसका अगर देखे इसका 1 सिग्नल H1NMR में नहीं मिलेगा, 2 सिग्नल CH3 में नहीं मिलेगा, बट इसके 2 सिंगलेट Proton NMR में मिलेंगे बिकॉज ये हाइड्रोजन अलग है और ये हाइड्रोजन अलग है बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ओके ऐसा काट सकते हो और एक वर्टिकल काट सकते हो जिसकी वजह से CH3 का एक हाइड्रोजन का पीक मिलेगा और जो चारों हाइड्रोजन सिंगल है, तो करेक्ट आंसर विल भी क्या होगा फर्स्ट इज सी, उसके बाद है आपका 4-methyl और 2-2-dimethylpropane दिया है। ओके तो देखते हैं जो आपका फोर्थ है जो 2-2-dimethylpropane है, ओके 2-2-dimethylpropane, तो IR में इसका 2200 नहीं आएगा लेकिन लैम्बडा मैक्स भी इतना जनरली 280 नहीं आएगा लेकिन ये आ सकता है, दैट इज़ 1 सिग्नल इन Proton NMR बिकॉज यहाँ पे ओके चारों मिथाइल है, 12 हाइड्रोजन मिलकर सिर्फ एक ही सिग्नल देंगे बिकॉज सब कार्बन के नियर है, ओके और 2 सिग्नल इन 13 NMR बिकॉज ये चारों एक होंगे कार्बन और जो सेंट्रल वाला है अलग होगा, सो क्या होगा 4 का आपका ए मिलेगा जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, ओके बी ऑप्शन में दिया गया है, सो करेक्ट आंसर विल बी योर
दिस. वॉट इज बी? बी इज योर करेक्ट आंसर. फर्स्ट का सी, देन टू का डी दिया है, ओके दैट इज लैम्डा मैक्स 280. उसके बाद थ्री का बी दिया है, मीन्स थ्री का बी दिया है मीन्स ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी वन ब्यूटाइन है, ओके सो 2211 मीन्स सी ट्रिपल बॉन्ड सी कार्बन स्ट्रेचिंग, ओके सो करेक्ट आंसर इज योर बी. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. यहाँ पे पैरिडियम दिया है, कार्बोनिल दिया है, अल्काइल हैलाइड दिया है, अराइल हैलाइड डी और टिन का कंपाउंड है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टीले कपलिंग, ओके तो इसका रेफरेंस मैं दे सकता हूँ आपका जुफेल और नांस में आपको मिलेगा, ओके इसका भी रेफरेंस इसके बुक रिव्यू बनाया है मैंने, आप चेक कर सकते हैं. तो जनरली क्या होता है, स्टीले कपलिंग में आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, तो सब में आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया है, आयोडीन हटा के यहाँ पे डायरेक्ट कार्बन. लेकिन जब सीओ होता है तो क्या होता है, जब फर्स्ट स्टेप में आपका ये वाला प्रोडक्ट बनता है पैलिडियम और आयोडीन जो भी होगा इसमें लिगेंड लगेंगे, उसके बाद जो सीओ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड वो कार्बन और पैलिडियम के बीच में इंसर्ट हो जाता है, ओके उसके बाद आपका जो टीन वाला मोइटी है इसमें SnMe3 वो आएगा, ओके फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, उसके बाद ये सीओ का इंसर्शन होगा, उसके बाद ये पैलिडियम पे लगेगा, ओके पैलिडियम लगा, पैलिडियम के ऊपर ये लगेगा, ओके ये वाली पूरा आर ग्रुप, उसके बाद एक यहाँ पे माइग्रेट होके आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स ये इंसर्ट होता है, कीटो कंपाउंड मिलेगा आपको इस तरह से, ओके सो करेक्ट आंसर विल बी योर सी. और जनरली आपको याद रखना पड़ेगा स्टीले कपलिंग में अगर सीओ दिया है कार्बन के साथ तो ये इनकमिंग कार्बन जो ये कार्बन है यहाँ पे और इसके इस कार्बन के बीच में इंसर्ट होगा और आपको कीटोन कंपाउंड मिलेगा. सो करेक्ट आंसर इज सी. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को सिस अल्किन में रिड्यूस किया है, तो ये पैलिडियम बेरियम सल्फेट किनोल लिंडार कैटलिस्ट है, सो इट कैन कन्वर्ट अल्काइन टू सिस अल्किन सेलेक्टिवली. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पूरा रिडक्शन या फिर इसको भी डी प्रोडक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, तो डैट विल बी नॉट करेक्ट. रानी निकल, वॉट हैपन विद रानी निकल, रानी निकल कैन डू कम्प्लीट रिडक्शन ऑल्सो, और ये तो रिडक्शन ही नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे H2 नहीं है, ओके सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी विल बी योर ए. लिंडार कैटलिस सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा, ओके आपको ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा सेलेक्टिव स्टीले कपलिंग के रिलेटेड, ओके. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड हैवी मॉलिकुलर फार्मूला एग्जिबिटिंग, बहुत सारा डेटा दिया है, दो हाइड्रोजन फोर हाइड्रोजन और ट्रिपलेट, तो देखते हैं किसके साथ जनरली ये मैच होता है, ओके यहाँ पे देखिए अगर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया है और यहाँ पे भी आई थिंक एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जनरली जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन का पीक नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये ऑप्शन चला जाएगा और ये भी ऑप्शन चला जाएगा. देर इज़ नो वन हाइड्रोजन दैट इज़ गिविंग पीक, ओके यहाँ पे दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन मिलके दे रहे, तो ए और बी तो चला जाएगा बिकॉज यहाँ पे वन हाइड्रोजन का भी पीक आना चाहिए था. बाकी बचा क्या आपका सी और डी. सी और डी में देखेंगे तो जो 4.1 है और 4.A बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच है, और जो दो हाइड्रोजन है वो ट्रिपलेट दे रहे हैं, ओके दो हाइड्रोजन ट्रिपलेट किस में देंगे, दो हाइड्रोजन ट्रिपलेट इस चीज़ में देंगे जब उसके बाजू में उनके बाजू में और CH2 होगा, ओके तो ये इस केस में हो सकता है. यहाँ पे लेकिन क्या होगा, यहाँ पे भी हो सकता है दो CH2 और एक यहाँ पे हो सकता है, ओके बिकॉज यहाँ पे ब्रोमीन है यहाँ पे भी. लेकिन इस केस में जो CH3 है, ओके इसका ट्रिपलेट होगा, इसका भी ट्रिपलेट होगा, लेकिन यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे इसका 4. इसका ट्रिपलेट होगा, इसका जो ट्रिपलेट होगा वो हायर फील्ड में होगा, ओके दो हाइड्रोजन का. लेकिन इस केस में जो वैल्यू जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी योर सी अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 4 होगा, इसका अप्रोक्सीमेटली 4.1 होगा, ओके और जो इसका मल्टीप्लेट है इसके साथ ही जस्टिफाई होता है, जो मल्टीप्लेट है चार हाइड्रोजन का मिलके मल्टीप्लेट, तो इसका ही मल्टीप्लेट मिल सकता है बिकॉज दो हाइड्रोजन इट विल बिकम क्विंटेड और यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लेट मिलने के चांसेस है. और जो मल्टीप्लेट है वो जनरली 1.5 टू 2.5 के केस में, अगर इसका मल्टीप्लेट देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन नॉर्मल मल्टीप्लेट है, ये थोड़ा सा मीन्स क्या है डी शील्डेड मल्टीप्लेट है. अगर तीन हाइड्रोजन मिलके आपको क्या दे रहे हैं 1.2 पे दे रहे हैं ट्रिपलेट, तो यहाँ पे क्या है ट्रिपलेट इसकी वजह से आएगा, ओके ये दो हाइड्रोजन की वजह से ट्रिपलेट आएगा 1.2 पे और स्लाइटली थोड़ा डी शील्डेड है बिकॉज CH3 का जनरली पीक आता है 0.9 पे और ये थोड़ा स्लाइटली डी शील्डेड है बिकॉज जो कार्बन अटैच है वो भी थोड़ा डी शील्डेड प्रोटॉन है. अगर यहाँ पे CH3 की बात करें, इस CH3 की बात करें, यहाँ पे क्या नॉर्मल CH2 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ppm तक आना चाहिए था लेकिन 1.25 तक चला गया, मतलब इसका बात है थोड़ा सा डी शील्डेड है, जिसकी वजह से सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके थोड़ा सा आप ध्यान देखिए CH3 भी देखिए और सिंगल प्रोटॉन भी देखिए है कि नहीं, तो आप CH3 से भी निकाल सकते हो, दोनों में भी CH3 है, ओके यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3 है, लेकिन जो वैल्यू होती है जनरली वैल्यू CH3 की 0.9 होती है
ओके अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ करते हो थोड़ा और डिशील्डेड होती है, लेकिन अगर इस केस में देखिए यहाँ पे सिंपल CH2 है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ भी नहीं है, तो जब शील्डिंग डिशील्डिंग होगा तो ज़्यादा इस केस में ज़्यादा डिशील्डिंग होगा बिकॉज ए नियर इस ऑक्सीजन के. ओके सो करेक्ट आंसर विल बी सी. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको रिएक्टेंट पूछा, प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया है. ये प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है जब MCP भी देते, तो यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन हो सकते हैं, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन या फिर इपॉक्सीडेशन. तो जो आंसर है ये भी आपका रेफरेंस बुक से लिया गया है, आई थिंक कैरोथर से. तो जब यहाँ पे आप इपॉक्साइड करोगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होगा और ये माइग्रेट होता है, तो यहाँ पे आपका ईस्टर बनेगा. सो करेक्ट आंसर विल बी योर सी. ओके ये नोन एग्जाम्पल है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपका दिया है टोसाइल हाइड्रोजन, दिस इज नथिंग बट NH2, NHTS और एक स्ट्रॉन्ग बेस है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर शैपिरो रिएक्शन. तो शैपिरो रिएक्शन में क्या होता है, अल्किन बनता है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे टोसाइल हाइड्रोजन दिया है, ओके ME है, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन होगा और आपको क्या मिलेगा, NNHTS लिखता हो. नेक्स्ट स्टेप में क्या, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है CH3Li, तो क्या करेगा, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. साइमल्टेनियसली दो प्रोटॉन में एब्स्ट्रैक्ट कराओ, एक यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और NH से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, ये वाली स्टेप मिलेगी NH NHTS, और नेगेटिव चार्ज दो है. ओके और क्या होगा, जैसे एक यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और TS निकल जाएगा. मैंने शैपिरो रिएक्शन के ऊपर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, पुराना वीडियो है. उसके बाद यहाँ पे आ गया, क्या होगा, N डबल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज और TS निकल जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये इस डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज बनेगा. ओके जो फिर वर्कअप के बाद आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट. सो करेक्ट आंसर विल बी योर बी. ओके करेक्ट आंसर इज योर बी. तो एग्जांपल है आपका शैपिरो रिएक्शन का. ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपका है फोटोकेमिस्ट्री में, और फोटोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन है आपका बार्टन रिएक्शन में. बिकॉज जब भी NOCl और OH देते हैं, थिंक ऑफ योर बार्टन रिएक्शन. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से OH और NOCl है, सो इट विल बिकम ONO. ओके फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट बता रहा हूँ, NOCl और OH के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका ONO बन जाएगा. उसके बाद यहाँ पे क्या, CH3 है, तो इसके बाद क्या होगा, रेडिकल इनिशिएशन रिएक्शन, मीन्स रेडिकल बनेगा. रेडिकल कैसे बनेगा, O बनेगा और NO रेडिकल सेपरेट हो जाएगा. ओके ये वाला. उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे गामा एब्स्ट्रैक्शन होगा, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा. गामा मतलब अल्फा बीटा गामा. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा. ओके रेडिकल बनने के बाद यहाँ पे रेडिकल बना और OH कन्वर्ट हो गया. जो आपका NO निकला था वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और अटैच हो जाएगा. ओके इसके साथ अटैच होने के बाद आपको क्या मिलेगा, N डबल बॉन्ड O और OH. इसके बाद क्या होगा, इसका टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन होने पे ऑक्सैन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके N डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सैन बनेगा और OH. तो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ तक है. इसके बाद जब H3O प्लस किया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में. ओके इसके बाद जो इसका हाइड्रोलिसिस होता है, जब ऑक्सैम का हाइड्रोलिसिस होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू योर करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड और कीटोन. ओके तो आपको जो आंसर मिलता है अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा. बस ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा, OH और CHO. ओके सो करेक्ट आंसर विल बी योर सी, OH और CHO. ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए इपॉक्साइड दिया XRY, किसमें क्या BF3 के साथ रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या बन सकता है. ओके तो फर्स्ट देखते हैं X और X के साथ देखते हैं. तो फर्स्ट में यहाँ पे OH दिया, तो BF3 क्या, लुईस एसिड, तो ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में. ओके इस तरह से BF3. अभी क्या करना है, आपको कार्बोकैटायन जनरेट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आपको ब्रेक करना है. तो कार्बोकैटायन कहाँ से जनरेट करोगे, ऑब्वियसली कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट करोगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज यहाँ पे दो pH ग्रुप है, यहाँ पे करोगे तो लेस स्टेबल होगा. तो आपको जनरेट कार्बोकैटायन कहाँ से करना है, कार्बोकैटायन शुड जनरेट हियर, ओ BF3 होगा यहाँ पे बिकॉज ये स्टेबल बन जाएगा. इसके बाद क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपको अल्डिहाइड मिलेगा. अल्डिहाइड कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट करने के बाद यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तब. ओके तो PH हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा और ये ऑलरेडी दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन शिफ्ट करने के बाद आपको ये पीक मिलेगा. तो X में आपके पास X है जहाँ पे PH दिया है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, X में आपका हाइड्रोजन माइग्रेट हो रहा है और जनरली ये A ऑप्शन में है और C ऑप्शन में है. तो हम बी कट करते और डी कट करते. अभी देखते अगर इस केस में देखते, वाई के केस में देखेंगे तो वाई के केस में
एसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जनरली पीएच ही माइग्रेट करेगा, ओके, बिकॉज दोनों सिमेट्रिकल है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज एच माइग्रेट इन एक्स एंड पीएच माइग्रेट इन वाई. ओके, यहाँ पे जनरली हम हाइड्रोजन माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन ही माइग्रेट करना और ऑलरेडी यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन है. ओके, तो ये जब डबल बॉन्ड बनने के बाद एल्डिहाइड बनाएगा, ऑलरेडी दिया एल्डिहाइड बनाना है, तो ये नेगेटिव चाहे लोन पर अपने इधर आ जाएंगे, बीएफ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट होगा. ओके, सिमेट्रिक केस है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, ये वाला दिया है आपको, NHTS वो डबल बॉन्ड हो, हीट दिया है. सो एग्जांपल है इन रिएक्शन का. इन रिएक्शन जनरली 1-5 शिफ्ट होती है, तो जो अल्किन के बाजू में पोजीशन होते हैं हाइड्रोजन, उसको कंसिडर करना पड़ता है. तो क्या होता है, 1-5 रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक करेगा और OH इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा. तो आपको क्या मिलेगी, एक 5 मेंबर की स्टेट मिलेगी TS. ओके, OH बन जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा. ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ अल्किन इन रिएक्शन. ओके, अल्डर इन बोल सकते हैं इसको. तो करेक्ट आंसर विल बी योर ए. ओके, करेक्ट आंसर विल बी योर ए. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इन रिएक्शन. और यहाँ पे कुछ हीटिंग दिया, साइक्लोहेक्सेन एज अ सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है. तो अगर इंट्रामोलिकुलर इन रिएक्शन हो रही है, ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी योर ए. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या दिया है, COAG रिप्लेस बाय AgBr. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ हंसडिकर रिएक्शन, जहाँ पे क्या होता है, रेडिकल इनिशिएशन मींस रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है. तो जनरली फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, COAG है, यहाँ पे आपका Br अटैच हो जाएगा, बिकॉज सिल्वर और ब्रोमीन के एफिनिटी होती है, इट विल गेट अटैच. उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, AgBr यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे CO- आ जाएगा. ओके, मैं पूरा प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे. उसके बाद क्या है, ये रेडिकल बनने के बाद आपका CO2 एज अ रेडिकल फॉर्म में चला जाएगा और आपको ये स्टेप मिल जाएगा, CO2 निकल जाएगा इसमें से और यहाँ पे रेडिकल बनेगा. उसके बाद जो Br रेडिकल, Br2 से जो Br रेडिकल बना था, Br2 एक Br यहाँ पे चला जाता है और Br एक रेडिकल बन जाता है, तो Br इसके साथ अटैच होकर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा. सो करेक्ट आंसर इज फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट से रिएक्शन जाती है. ओके, इसके बाद है एग्जांपल, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करिए वाला. दिस इज एग्जांपल, देखिए हीटिंग दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया और OH और अल्किन दिए है. ओके, विनाइल अल्कोहल टाइप दिया है आपको, अलाइल अल्कोहल टाइप दिया है. दिस इज एग्जांपल ऑफ 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिप, दैट इज ऑक्सिको. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको बस बेस है तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा OH से, और ये काम क्या करता है, इसका काम है प्रमोट करना 3-3 शिफ्ट को. ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपको O नेगेटिव, ओके, ये आ गया बेस एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद. अब आपको लेबल करना है 1-2-3, 1-2-3. तो क्या करना है, 3-3 शिफ्ट, मतलब 3 और 3 का बॉन्ड बनाना है. ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा. ओके, तो आपको क्या मिलेगा, ये इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड O, और एक यहाँ से ये प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, इस तरह से कुछ इसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा. इसके बाद आपको बस ढंग से इसको ड्रॉ करना है. ओके, अगर ढंग से आप इसको ड्रॉ करोगे, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ आंसर, दैट इज बी. यही पे प्रॉब्लम होगी, बस इसको आपको लेबल करना है. लेबलिंग में ही प्रॉब्लम हो जाता है इसका, 1-2-3 देन 4-5-6. ओके, तो आपको देखिए कहाँ पे आपका रिंग जंक्शन बन रहा है, 1 और आई थिंक 5 पे बन रहा है रिंग जंक्शन. ओके, तो ध्यान से इसको ड्रॉ करें, यू विल गेट बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगा. बाकी तो इजी है कि 3-3 सिग्मा स्ट्रॉपिक शिप बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ध्यान से करेंगे, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ आंसर. इसको आप इस फॉर्म में करोगे तो इस तरह से आपको कुछ मिलेगा और आपको बी योर गेट योर करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. या ये क्वेश्चन भी क्लेडन से है, हेट्रोसाइक्लिक्स में मिलेगा. ये एग्जांपल है विल्समर हैक रिएक्शन का. विल्समर हैक रिएक्शन में क्या होता है, जब आप विल्समर हैक रिएक्शन में आप DMF PCl3 देते हो नॉन एसिडिक इन्वायरमेंट में, तो आपका एल्डिहाइड अटैक होता है एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह. और जनरली ये क्या है, इंडोल है, तो यहाँ पे इंडोल वाली पोजीशन में यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, देखिए इस पोजीशन में थर्ड पोजीशन पे अटैक करता है DMF और PCl3, एल्डिहाइड मिलता है. सो करेक्ट आंसर विल बी योर सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउट है कुछ ऑप्शन में. यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट बताना है. तो देखिए आप में से डी ऑप्शन चला जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन को हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोपीन ग्रुप है,
तो ऑप्शन ए बी सी में से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो नाइट्रोजन के ऊपर है और ये रिंग बन रही है, रिंग बनने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैक करा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ओके। तो तीनों में एल्डिहाइड डी और एसिड दिया है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। लेकिन जब बी ऑप्शन की बात करिए, डबल बॉन्ड जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये सात मेंबर की रिंग नहीं बनाएगा, कम मेंबर की रिंग बनाएगा, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बी ऑप्शन भी चला गया ऑलरेडी, यहाँ पे दिख रहा है आपको ज़्यादा मेंबर की रिंग है, तो ऑप्शन ए और सी में है। और अकॉर्डिंग टू मी अगर आप देखें, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो एल्डिहाइड पे क्या होगा, ओ नेगेटिव आएगा और ये वापस जाने के बाद कुछ ना कुछ तो लीव करेगा ही, ओके। तो अकॉर्डिंग टू मी सी विल बी करेक्ट आंसर, बिकॉज ओ एच यहाँ पे लिविंग ग्रुप करके निकल सकता है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर सी होना चाहिए। मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है कि ए भी हो सकता, ए हो सकता है मे बी, लेकिन माई गड इंटेंशन इज गो विथ सी, ओके। सो यू कैन चेक और इसका आप रेफरेंस भी देख सकते हो कि एल्डिहाइड पे अटैक करेगा कि एसिड पे अटैक करेगा, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पेरिसाइक्लिक के ऊपर है तो ऑलरेडी दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट रिएक्ट विद गिवन डाइन, तो ऑलरेडी डाइन दिया है। तो कंडीशन क्या होती है डिल्सल्ड रिएक्शन के लिए, डाइन होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए और जो डायनोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। तो आपको डायनोफाइल देखना है कौन अच्छा सबसे फास्ट होगा। अगर नॉर्मल हम डायनोफाइल की बात करें तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन दो दो नाइट्रोजन दिए हैं, दिस इज ए योर इमिडाजोल, तो सब में जो जनरली ज़्यादा डायनोफाइल होता है वो फ्यूरेन होता है और दैट इज योर करेक्ट आंसर। फ्यूरेन गोइंग टू रिएक्ट फास्टर विद योर डाइन एज कम्पेयर टू अदर, ओके। इसको जनरली रिएक्ट करने के लिए इसकी एरोमेटिसिटी होती है वो डिस्टर्ब करनी पड़ती है आपको, इसको सल्फोक्साइड की तरह बनाना पड़ता है। जो आपका पायरोल होता है वो जनरली अदर रिएक्शन देता है, पेरिसाइक्लिक थोड़ी कम रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छी देता है, ओके। बिकॉज यहाँ पे जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आएगा, कोई यहाँ पे अटैक होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ओके। और जो फ्यूरेन है जो आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल है वो इसका करेक्ट आंसर है, वो अच्छे से जनरली थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट रिएक्ट फास्ट करता है, ओके। सो करेक्ट आंसर इज ए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका फोटोकेमिस्ट्री और थोड़ा और रिएजेंट बेस है। तो फर्स्ट स्टेप इज योर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ओके। दिस इज नथिंग बट पैटर्नोबुची, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CH है तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको 2+2 होगा, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये इस तरह से प्रोडक्ट होगा, ओके। इसके बाद क्या है आपका O2Me2S, मतलब ये आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, आपका पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता, ओके, कंपाउंड का, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड का एसिड नहीं बनता, ओके। इसके बाद क्या है, आपको NaOH दिया है, एक्वेस NaOH हीट, दिस इज नथिंग बट एल्डोल रिएक्शन, ओके। एल्डोल होगा तब क्या होगा, यहाँ पे इनोल बनेगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और आपको कितने मेंबर की रिंग मिलेगी, यू विल गेट 6 मेंबर रिंग, ओके। सो करेक्ट आंसर विल बी योर दिस, और कहाँ पे ये करेक्ट आंसर ए। तो ध्यान से देखिए ये कीटोन कहाँ से कहाँ अटैक करा, बिकॉज बी आपने उल्टा कर बना दिया, कीटोन आपने ऊपर बना दिया, यू विल गेट बी आंसर, लेकिन करेक्ट आंसर विल बी योर ए। तो यहाँ पे क्या है आपका फोटोकेमिस्ट्री भी आ गया, देन आपका रिएजेंट भी आ गया, इसमें यू विल गेट रिएजेंट ऑल्सो क्वेश्चन, और बस साथ ही में इसका आपको नेम रिएक्शन भी मिल गया, तो क्वेश्चन अच्छा था, इसमें तीनों टॉपिक मिक्स कर दिए, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन, ओके। ये थोड़े ऑर्गेनिक क्वेश्चन थे, अभी दो तीन क्वेश्चंस में फिजिकल के इजी है वो तो डिस्कस करता हूँ, ओके, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें। थर्मोफ्लास्क आर यूज्ड टू कैरी हॉट ड्रिंक इज एग्जांपल ऑफ, जनरली आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं होते, तो ये एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। देन आपका वेट एवरेज दिया है निकालने के लिए, ओके। वेट एवरेज के लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसका वेट पता होना चाहिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे आपको N1 दिया है 50 और N2 दिया है 75 और वेट दिया है, आई थिंक वेट W1 दिया है 5000, ओके, और W2 दिया है 6000। तो उसका फॉर्मूला क्या है वेट एवरेज का, समेशन ऑफ N1 MI, ओके, स्क्वायर MI का स्क्वायर समेशन ऑफ N1 MI। तो इसमें आप पुट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली विल गेट 5642 विल गेट आंसर, ओके। इसमें आपको पुट करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम चला जाएगा, ओके। तो थोड़ा मैं स्किप कर आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसमें 5642 आएगा आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है SI यूनिट ऑफ मेजरिंग रेडियो एक्टिव इज बेक्वेरल, ओके। जनरली SI यूनिट होता है बेक्वेरल, क्यूरी एक पुराना यूनिट है जो यूज़ करते थे, और ये दो है, ये जनरली कितना डोजेस रेडियो एक्टिव का एब्जॉर्ब किया है उसके लिए, ओके।
जनरली मेजर करने के लिए बेक्यूरल यूज़ करते हैं। उसके बाद है सिंगल क्रिस्टल सॉल्ट विच इज़ यूज एज स्किंटिलेशन स्किंटिलेटर इन स्किंटिलेशन काउंटर इज, तो जनरली इसके लिए यूज होता है सोडियम आयोडाइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स के रिलेटेड है, बस ग्राफ बेस है। यहाँ पे यहाँ ही आपका फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। तो अब जब कैटलिस्ट यूज़ करो तो क्या होता है, जनरली कैटलिस्ट क्या करता है, फर्स्ट आपकी रिएक्शन ऐसी जा रही है मान लो, और क्या है आपका ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो क्या होगा कैटलिस्ट डालने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, मतलब आपका सेकेंड डिक्रीज होगा, लेकिन सेकेंड के साथ ये पार्ट भी आपका डिक्रीज होगा बिकॉज थर्ड भी आपका पूरा यहाँ से यहाँ मेजर है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दोनों डिक्रीज होगा बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, तो आपका ये थर्ड पार्ट भी कम हो जाएगा। ओके जो मेजर किया है। उसके बाद है पॉइंट ग्रुप एंड नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन SiO4 इज, तो जनरली इसका जो आंसर है SiO4 इज टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में होते हैं जनरली 24 सिमेट्री एलिमेंट और 5 सिमेट्री क्लास होते हैं। ओके सो करेक्ट आंसर यूज योर सी, ओके टेट्राहेड्रल एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ नॉर्मल मोड वाइब्रेशन आर पॉसिबल इन नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा आपका, इसमें 5-6 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 3N-6। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6+5 11, 11+3 14, तो 14 3 -6, ओके -6 तो 42 -6 इज 36, सो करेक्ट आंसर इज 36 नॉन लीनियर के लिए। ओके नॉन लीनियर के लिए 3N-6 होता है। इसके बाद होता है इन केस ऑफ रेडियो आइसोटोप द एक्टिविटी रिड्यूस टू डैश ऑफ इनिशियल ऑफ 2 हाफ लैब, मान लेते हैं हमारे पास 100% है, उसके बाद हमने इसका टी ऑफ किया तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, उस मतलब 50% हो जाएगा, उसका टी ऑफ करेंगे तो 1/4 मतलब 25% हो जाएगा। ओके सो ये क्या होगा 1/4 ऑफ इनिशियल एक्टिविटी। ओके सो दिस इज अबाउट सम क्वेश्चन, मोस्टली ऑर्गेनिक क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन मुझे भी इसके आंसर डाउट थे, और थोड़े 2-3 क्वेश्चन फिजिकल के जो इजी थे। ओके सो दिस इज अबाउट सेट एग्जाम। ओके और इनऑर्गेनिक का भी मैंने डिस्कस किया, इसमें डिस्कस किया, तो इसमें एक और है वेट, हाँ इसमें एक क्वेश्चन था जिसका मुझे करेक्शन करना था, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन कहाँ पे है लेट मी सी, हाँ तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका बताया था, इसी 1 पे डिपेंड होता है क्वाड्रपल स्प्लिटिंग, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट और स्पिन स्टेट पे होता है। अगर हम इसकी बात करें Fe3+ ले, ओके Fe3+ लेंगे इसमें, और यहाँ पे Fe2+ लेंगे, ओके हाई स्पिन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से होगा 1 2 3 4 5, तो ये क्या है सिमेट्रिक है, लेकिन अगर Fe2+ मिलेंगे 1 2 3 4 5 से, ओके तो ये असिमेट्रिक है, तो ये स्पिन ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी कंसिडर होता है, स्पिन स्टेट पे भी होगा, लो स्पिन होगा तो सब पेयर अप हो जाएंगे, हाई स्पिन होगा तो पेयर अप हो जाएंगे, तो सिमेट्रिक, तो ये तीनों पे भी क्या होता है डिपेंड होता है, बस ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आपको केमिकल शिप पता होती है नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। सो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दैट विल बी नॉट करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज इलेक्ट्रो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग आपका मॉलिक्यूलर सिमेट्री के बारे में बताया था, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लास्ट इसमें बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 2+ या 3+ होगा उसके ऊपर भी डिपेंड होगा, स्पिन स्टेट मतलब लो स्पिन या फिर हाई स्पिन उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ओके ये करेक्शन मुझे बताना था, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।